हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा, एनसीटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप फॉर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन ले सकते हो, उसकी जो फॉर्म है रिलीज हो चुकी है। आपको पता ही है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंटीग्रेटेड जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ITEP, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करी है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड जो है वो लॉन्च कर रखा है, जिसके तहत आप बीए बीएड कर सकते हो, बीएससी बीएड कर सकते हो, बीकॉम बीएड कर सकते हो। देखो, मैं आपको प्रीवियस कई सारी वीडियो में आपको एक चीज बता चुका हूँ कि अगर आप अभी आप ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ पास कर चुके हो और अपना करियर अगर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो, तो आपको बीएलएड बीएड जो नॉर्मल बीएड या बीएलएड होता है, इनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश में लागू की गई थी, उसमें भी ये बात बताई गई थी कि 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है तो सिर्फ और सिर्फ जो फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है उसी को एज अ बेस माना जाएगा, उसी को एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप अभी ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ के एग्जाम दे चुके हो या लास्ट ईयर या किसी भी साल अगर आपने ट्वेल्थ पास आउट किया है और आप अपना करियर टीचिंग के फील्ड में बनाना चाहते हो, तो आपके लिए फॉर्म रिलीज हो चुका है। जो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उन्होंने नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी NCET का जो फॉर्म है 2024 का, वो रिलीज कर दिया है। इसको फिल करने के बाद आप बिल्कुल, इसका एग्जाम देने के बाद वेरियस जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, इवन IIT, NIT, RI, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो और अपना करियर जो है टीचिंग के फील्ड में बना सकते हो। तो NCET 2024 के बारे में जो भी कंप्लीट डिटेल है आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसमें बेसिकली देखो, हर एक एस्पेक्ट को हम समझेंगे। इसमें हम हर एस्पेक्ट को समझने वाले, जिसमें बहुत सारी चीजें हमें समझना है, जैसे कि एडमिशन कब से स्टार्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, क्या क्या आपको सब्जेक्ट चूज करनी चाहिए, तैयारी कैसे होगी, A to Z सारी चीजें आपको समझने को मिलेगा। सबसे मेन चीज, आपको सारी चीजें बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हमारी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस YouTube पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा हमारा जो फ्री ऐप है ASUG करके, हमारा प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आपको फ्री क्लासेस मिल जाएगी, जिससे आप अपनी NCET 2024 की जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो। तो चलो, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम NCET का जो फॉर्म है, जो डिटेल प्रोस्पेक्टस है, उसे एक बार रीड कर लेते, ताकि हर एक एस्पेक्ट को हम समझ सके। बाकी किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं 100% उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम कुछ प्रोस्पेक्टस को समझ लेते हैं, ठीक है। जो भी हमारे प्रोस्पेक्टस में जो भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी है उन्हें समझ लेते हैं, ताकि हमें एक ओवरव्यू मिल जाए कि इसके अंदर क्या क्या पैटर्न में चेंज हुआ, लास्ट ईयर से क्या चेंजेस है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आपको पता हो, लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ कॉलेजेस थे, सीट जो थी वो 3950 थी, यानी कि अप्रोक्स आप 4000 कह सकते हो, बट इस बार जो है नंबर ऑफ सीट काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो देख सकते हो, 2023 में जब इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम जब इसका एग्जाम हुआ था, तो नंबर ऑफ सीट्स कम थे, कॉम्पिटिशन भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत कम था, बट इस साल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन अब स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी डिले करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझ लेते हैं कि अगर आपको NCET के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो अगर आप इस प्रोस्पेक्टस को देखोगे, देखो ये सारा प्रोस्पेक्टस जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आपको जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, वहां पे हमें सारी जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वहां पे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले चीज, ये जो रजिस्ट्रेशन है आपका 13 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट अभी रखी गई है 30 अप्रैल रखी गई है, यानी कि आपको 30 अप्रैल से पहले फॉर्म को फिल कर लेना है। इसके अलावा अगर देखा जाए, फीस पेमेंट करने की भी लास्ट डेट जो है 30 अप्रैल है, यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ सारी डेट्स लिखी है। तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुई है, 13 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक है। अगर आपको पेमेंट की बात करें तो वो भी आप 30 अप्रैल तक पे कर सकते हो, और करेक्शन विंडो जो है वो 2 मई से लेकर 4 मई के बीच में ओपन रहेगी। इसके अलावा देखो, सबसे अच्छी बात क्या है, इस बार जो NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आपका एग्जाम कब होगा ये भी आपको बता रखा है इस बार। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपका सिटी कब बताया जाएगा, कि आपका एग्जाम कौन सी सिटी में होगा, तो लास्ट वीक ऑफ मई में आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका किस सिटी में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद अगर बात करें एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, तो आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो अभी शेड्यूल किया गया है 12 जून, यानी 12 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो देख सकते हो, इस बार NTA ने पूरी प्लानिंग के साथ हर एक चीज आपको बता रखा है, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट, जैसे कि आपका जो एडमिट कार्ड है कब आएगा, A to Z, और एग्जाम कब होना है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता रखी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स है, वो उसे एक बार देख लेते हैं। देखो, अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बाकी चीजों को अगर देखे, तो देखो सबसे पहली बात, अगर आपको रजिस्ट्रेशन की बात करें, तो आप अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो जब आप अप्लाई करोगे फॉर्म को, तो उस टाइम आपको 1200 रुपीज फी पे करना पड़ेगा। वही अगर बात करें ओबीसी के लिए, तो ये फी जो है 1000 है,
और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर के लिए जो फी रखा गया जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 650 रुपीज है। अब इसके अलावा बाकी अगर एस्पेक्ट को देखोगे आप यहाँ पे, तो देखो सबसे मेन चीज हम बहुत सारी जो चीजें वो एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं। तो देखो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे इसी प्रोस्पेक्टस में, तो आपको पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न मिल जाएगा जिसमें ए टू जेड सारी बातें डिटेल में बताई हुई है। तो थोड़ा सा इसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हम समझ सके। देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे इसी प्रोस्पेक्टस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो सारी बात बता रखी है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल आपके 7 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें और इस साल की बात करें तो एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन थोड़ा सा चेंजेस किए गए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको दो लैंग्वेज चूज करने हैं, कोई भी दो लैंग्वेज चूज कर सकते हो। 38 लैंग्वेज का आपको ऑप्शन दे रखा है, कोई भी आपको दो लैंग्वेज चूज करने हैं। पहले क्या था, आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते थे और आपको 20 अटेम्प्ट करना होता था, बट इस साल से क्या किया एनटीए ने, आपको टोटल कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे 23, उसमें से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, जस्ट 20 अटेम्प्ट करना है, क्लियर है। और सही करने पे अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको +4 दिया जाएगा और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ध्यान रखना लैंग्वेज के अंदर दो लैंग्वेज आपको चूज करना है जिसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करना है। सेम लैंग्वेज टू जो आप ऑप्ट करोगे उसमें भी 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करना है। देन अगला जो पोर्शन आपका टीचिंग अप टू डेट जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। देखो लैंग्वेज तो आपको लैंग्वेज में क्या है आपको चूज करना होता है कि आप कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहते हो या क्या है, बट टीचिंग अपटूट जो है सबके लिए कंपलसरी है, टीचिंग अपटूट जो है सबको देना पड़ेगा। टीचिंग अपटूट की बात करें तो इसमें टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 20 आपको अटेम्प्ट करना है। देन जनरल टेस्ट भी सबके लिए कंपलसरी है। जनरल टेस्ट में आपको पता है क्या क्या आने वाला है, करंट अफेयर आएगा, जीके आएगा, रीजनिंग आती, क्वांट्स आती है, ये सारा पोर्शन होता है जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट के अंदर 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करना है। देन उसके बाद डोमेन, डोमेन के अंदर आपको 3 डोमेन चूज करने होते हैं एज पर जो भी आपने 12th में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि जो भी आपने 12th में पढ़ा वो सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है और कोई भी 3 डोमेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई आर्ट्स बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, जो भी उसने 12th में पढ़ रखा है, फॉर एग्जांपल उसने हिस्ट्री पढ़ रखा है, ज्योग्राफी पढ़ रखा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है या और भी वेरियस सब्जेक्ट पढ़े होंगे, उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट वो ऑप्ट कर लेगा एज अ डोमेन। कोई कॉमर्स का बच्चा है तो वो क्या करेगा, कॉमर्स के जो भी उसने चीजें पढ़ी है उसमें से कोई भी 3 वो ऑप्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी कर सकता है वो, बिजनेस स्टडी कर सकता है, इकोनॉमिक्स कर सकता है और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं। अब डोमेन के अंदर बात करें तो हर डोमेन से 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 25 अटेम्प्ट करने होंगे। तो देख सकते हो टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ध्यान रखना पहले क्या था, 160 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 160 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 160 ही आपको अटेम्प्ट करना पड़ता था, बट इस बार से क्या हो चुका है आपको 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इस बार आपको ऑप्शन दिया जा रहा है और उसमें से अटेम्प्ट कितना करना है, सिर्फ 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ध्यान रखना एक क्वेश्चन सही करने के 4 नंबर आपको रिवॉर्ड किए जाएंगे और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अब देखो सब्जेक्ट क्या क्या चूज कर सकते हो एक बार उसकी भी लिस्ट देख लेते हैं, पूरा लिस्ट यहाँ पे एनटीए ने बता रखा है इसी प्रोस्पेक्टस के अंदर। तो देखो सबसे पहले अगर हम इस लिस्ट की बात करें कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है लैंग्वेज के अंदर या डोमेन के अंदर, तो अगर आप थोड़ा सा इसी प्रोस्पेक्टस में देखोगे तो आपको सारा ऑप्शन दे रखा है, सारी डिटेल दे रखी है कि कौन कौन सा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो एक चीज आपको याद रखनी है, डोमेन के अंदर आपके पास कोशिश करना आप वही सब्जेक्ट चूज करो जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ना एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बच्चा जो है वो अभी कॉमर्स बैकग्राउंड से, यानी कॉमर्स से वो उसने 12th किया या 12th कर रहा है, अब वो चाहता क्या कि जो भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है यानी बीए बीएड करना चाहता है। ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझना सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद हम ये सब्जेक्ट को भी देख लेंगे। मान लो कोई स्टूडेंट है उसने क्या कर रखा है, कॉमर्स से अपनी 12th कर रखी है, बट वो करना क्या चाहता है, बीकॉम बीएड जो है वो नहीं करना चाहता, ठीक है। हो सकता है उसे बीकॉम से मतलब बीकॉम के फील्ड में वो अपना करियर नहीं बनाना चाहता है, अब वो क्या चाहता है कि मैं बीए बीएड करूं। अब क्या ऐसे सिनेरियो में क्या वो स्टूडेंट जो है जिसने कॉमर्स से अपनी 12th क्लियर की है या 12th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम में है, क्या वो बीए बीएड कर सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल कर सकता है। अब ऐसे सिनेरियो में बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, तो फिर क्या हमें बीए के सब्जेक्ट एंट्रेंस एग्जाम के लिए डोमेन के अंदर
क्या हमें बीए के सब्जेक्ट चूज करना, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं, वो हमें चूज करना पड़ेगा? तो इसका आंसर है नहीं। आपको वही सब्जेक्ट चूज करना है जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ है। आपने कॉमर्स ले रखा था, कॉमर्स के थ्रू अगर आपने अकाउंट्स पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इसके अलावा बीएसटी पढ़ा है, बिजनेस स्टडी, या जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, वही आपको डोमेन के अंदर चूज करना है। जरूरी नहीं कि आप बीए बीएड करना चाहते हो तो आपको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट चूज करने हैं, आप बीएससी बीएड करने जा रहे हो तो आपको साइंस के सब्जेक्ट चूज करने, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है। आप ट्वेल्थ के बेसिस पे कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अब सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे पूरी आपको एनटीए ने लिस्ट दे रखी है कि आप किन किन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट है। आप इंग्लिश को चूज कर सकते हो लैंग्वेज में, या हिंदी को कर सकते हो, असमी, बंगाली, बहुत सारे लैंग्वेज आपको दिख रहे होंगे, यानी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन, इनमें से कोई भी आपको दो लैंग्वेज चूज करने हैं। तो याद रखना, लैंग्वेज में आपको कितने लैंग्वेज चूज करने हैं? दो लैंग्वेज। डोमेन के अंदर कितने डोमेन चूज करने हैं? थ्री डोमेन चूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ऑप्शन दे रखा है, अकाउंटेंसी है, ठीक है, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप इसी को नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे इस प्रोस्पेक्टस को, तो बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंट साइंस है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे नीचे, पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पता है कंपल्सरी एक सेक्शन है, और जनरल टेस्ट जिसके अंदर आपका क्वांट्स, रीजनिंग, जो करंट अफेयर है, जीके, ये सारा कुछ पूछा जाता है, ये भी आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ध्यान रखना जो लैंग्वेज है वहां पे आपका ऑप्शन है कि आप कोई भी दो लैंग्वेज चूज कर सकते हो। डोमेन में आपके पास ऑप्शन है कोई भी तीन डोमेन चूज कर सकते हो, बट ध्यान रखना टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट सबके लिए कंपल्सरी है, और सबको मिला करके टोटल 181 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 160 आपको अटेम्प्ट करना है। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सही करने पर 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, बट अगर आप गलत करोगे तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो ध्यान रखना एग्जाम में आपको गलत नहीं करना, कई बार गलत करने के चक्कर में ही बच्चों के, मतलब गलत अटेम्प्ट करने के चक्कर में बच्चों के कम नंबर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिजायरेबल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। बाकी तैयारी कैसे करनी है मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ। हम अपने इसी YouTube चैनल पे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस स्टार्ट करने वाले। इसके अलावा आप हमारा जो एप्लीकेशन है ACUG करके आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लो, वहां पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, वहां पे जो भी यूजफुल जो डिटेल होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, PDF होगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगी, वो सब कुछ हम टाइम टू टाइम वहां पे अपलोड करते रहेंगे, ताकि आप चीजों को लेकर के अपडेट रहो। तो आप सबको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। अब देखो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो ये जो टोटल 160 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, उसके लिए टोटल कितना टाइम आपको दिया जाएगा? तो टोटल आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी 180 मिनट दिया जाएगा। तो देख सकते हो आप, टोटल 160 क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। अब देखो इसके अंदर कितनी यूनिवर्सिटी है, क्या क्या, वो सारी चीजें एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, एक बार यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस को लेकर के, तो लैंग्वेज के अंदर क्या क्या पूछा जा रहा है, देखो बेसिकली अगर मैं इंस्टॉल करूँ तो लैंग्वेज में आपसे क्या पूछा जाता है, ग्रामर पोर्शन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सेक्शन होता है उसको मेनली पूछा जाता है। उसके ऊपर मेन जो चीजें हैं, वोकैबुलरी, इन सब के ऊपर मेन फोकस होता है, चाहे वो आप हिंदी चूज करो या इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज चूज करो, ठीक है। ध्यान रखना आपका लैंग्वेज के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही सारी चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लैंग्वेज का क्या सिलेबस यहाँ पे रखा है, लैंग्वेज टेस्ट बाय रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा, जो लिटरेसी एप्टीट्यूड है वो आपसे पूछा जाएगा, और वोकैबुलरी पूछी जा रही है, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन में एनटी की वेबसाइट पर दे रखा है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा जो पूरा जो भी सिलेबस है वो दिखा दूंगा। बाकी सिलेबस के बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा ट्वेल्थ के ऊपर बेस्ड होता है, यानी ट्वेल्थ में जो भी आपने चीजें पढ़ी है वही आपके सिलेबस में पूछा जाता है डोमेन के अंदर। अब उसके बाद अगर जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी कि जो क्वांट्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, यानी कि मेन इसके अंदर तीन चीजें पूछी जाती है, जीएस यानी जनरल जो स्टडी होती है वो, जिसके अंदर करंट अफेयर भी आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा क्वांट्स पूछा जाता है और रीजनिंग पूछी जाती है। तो जनरल टेस्ट में ये तीन मेन पोर्शन होते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है बहुत ज्यादा वास्ट है, ये ध्यान रखना, इसके अंदर टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ आर्ट्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, आर्ट्स, लैंग्वेज, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही एक ईजी सब्जेक्ट है, जिसमें अगर आप ढंग से अगर इसकी प्रिपरेशन कर लेते हो तो पूरे क्वेश्चन आप सही करके आओगे। बहुत ही बेसिक चीजें होती है इसमें, क्या, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ये टीचिंग ऑफ साइंस की, तो इसमें बेसिकली क्या पूछा जाता है, बेसिकली अप टू 8th क्लास तक की आप देखोगे ना बेसिक साइंस आपसे पूछी जाती है। और यहाँ पे अगर बात करें जो टीचिंग मैथमेटिक्स जो है, इसके अंदर क्या पूछा जाता है, सिंपल जो आपकी 8th तक की जो मैथ्स होती है वो सारी चीजें पूछी जाती है, यानी बहुत ही बेसिक सिलेबस है इसका। इसके अलावा आपको एज अ क्लास में कैसे एक टीचर जो स्टूडेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है,
कैसे आप अपने टीचिंग को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो, ये सारी चीजें पूछी जाती है। यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। इसके अलावा किसी बच्चों को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करो, मैं 100% उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। देखो अब आगे बढ़ती है इसी प्रोस्पेक्टस में और क्या क्या चीजें दे रखी है वो एक बार देख लेते हैं। देखो अगर इस प्रोस्पेक्टस को आगे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको वेरियस और भी चीजें देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो ये तो खैर बताने की जरूरत है नहीं, आप सबको पता है। अगर आपको एनसीटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है, जिसके थ्रू अगर आप फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, चाहे वो बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप या तो 12th पास होनी चाहिए या इस साल 12th में अपेयरिंग होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस के ऊपर, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर कितनी सीट्स थी, लास्ट ईयर सिर्फ 3950 सीट्स थी, यानी कि लगभग 4000 से भी कम था। बट इस साल अगर आप देखोगे टोटल पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी कितनी हो चुकी है, 64 हो चुकी है, और ये नंबर आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। और टोटल अगर सीट्स की बात करें तो टोटल कितने सीट्स है, 6100 सीट्स है, यानी नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा इस साल बढ़े है। देखो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, नहीं, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपको पता है लास्ट ईयर बहुत ही एट रैंडम फॉर्म आ गया था, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था इसके बारे में, अवेयर नहीं थे, अचानक से फॉर्म आ गया था, बहुत सारे बच्चों ने भरा, कुछ बच्चों ने नहीं भरा, कुछ बच्चों ने किसी और चीज का प्लानिंग कर रखा था, उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे या जानबूझ के भी नहीं किया था। बट इस बार मोस्टली बच्चों को पता है कि अगर हमें अगर टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, जिसमें बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है ना इस फॉर्म का वेट कर रहे हैं इस साल, तो इस साल नंबर ऑफ सीट बढ़ा है बट कंपटीशन उससे ज्यादा बढ़ा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी, तभी आपको डिजायरेबल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब एक एक करके थोड़े जो भी डाउट है बच्चों का वो एक बार देख लेते हैं, ताकि जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए बच्चों का। सर सीयूटी और एनसीटी के सेम सब्जेक्ट का सिलेबस सेम होता है? बिल्कुल, देखो एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सीयूटी और एनसीटी में जो डोमेन सब्जेक्ट हम चूज करते हैं, क्या दोनों का सब्जेक्ट सिलेबस जो है वो सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है। और आप कोई बच्चा अगर सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट अगर वो प्रिपेयर कर रहा है, सीयूटी में जो सिलेबस है सेम वही सिलेबस आपका एनसीटी में है, यानी दोनों का सिलेबस सेम होता है डोमेन के लिए। एक और बच्चे का क्वेश्चन है, सर मैं एक गैप ईयर स्टूडेंट हूँ, क्या मैं फॉर्म? बिल्कुल, देखो आप कोई भी गैप ईयर स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। मान लो आपने 2023 में अपना जो 12th वो पास आउट किया है, क्या आप 2024 में फॉर्म फिल कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आपको कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा? नहीं, कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इवन कोई किसी बच्चे ने अगर 2022 में भी अगर अपनी 12th पास कर रखी है वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज बार नहीं है, कुछ गैप जो गैप होता है उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और बच्चे का डाउट है, सर सीयूटी नहीं भरे है या भरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? देखो सीयूटी की अगर बात करें, देखो सीयूटी आपके लिए क्या है, सीयूटी का अगर फॉर्म फिल करते हो तो बाकी जो कोर्सेज है, जैसे आप बीएससी करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो, बीए के अंदर वेरियस कोर्सेज है तो वो करना चाहते हो, या बीएलएड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सीयूटी भरना है, ठीक है। अगर आपको फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना है तो उसके लिए आपको एनसीटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो बच्चे आप देखो कि अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन के जो बाकी कोर्सेज है उनके लिए अगर जाना है तो आप सीयूटी का फॉर्म भरो। अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हो कि नहीं मुझे फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड ही करना है, तो आपको सीयूटी का फॉर्म फिल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट एनसीटी का फॉर्म फिल करो, उससे आपका काम हो जाएगा। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पता चला आपने सीयूटी का फॉर्म नहीं फिल किया और आपने कोई जो भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज है उनके लिए कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया और जस्ट आप इसी के भरोसे बैठे रह गए। अब ऐसे केस में क्या होता है, कॉम्पिटिशन के चक्कर में या हो सकता है आपने उस लेवल की तैयारी नहीं की और उसमें आपका जो भी डिजायरेबल कॉलेज या जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन चाहते थे उसमें अगर आपका नाम नहीं आएगा तो हो सकता है आपका एक साल वेस्ट हो जाए। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो आपको दोनों फॉर्म फिल कर देने चाहिए, सीयूटी का भी कर देना चाहिए था और इसका भी कर देना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर किसी बच्चे ने सीयूटी का फॉर्म नहीं फिल कर रखा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एनसीटी का फॉर्म जरूर फिल करो। चलो और बच्चों का जो क्वेश्चन वो एक बार देख लेते हैं। आई हैव क्लियर दिस एग्जाम लास्ट ईयर एंड रियलाइज दैट इट इज अ ग्रेट कोर्स फॉर टीचिंग। बिल्कुल, एक बच्चे का कमेंट आया कि लास्ट ईयर इसने एग्जाम को क्लियर किया और देख करके इन्हें पता चल रहा है कि बेस्ट कोर्स है ये टीचिंग फील्ड में। और ये चीज मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, ये चीज मैं कई सालों से जब से फोर इंटीग्रेटेड बीएड लॉन्च हुआ मैं तब से बोलता आ रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को अपना करियर जो है टीचिंग के फील्ड में बनाना है तो उसको इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए, बीएलएड
या बीएड या जेबीटी जो भी कोर्सेज होते हैं, बीटीसी होता है, किसी भी तरफ नहीं जाना चाहिए। एक डाइट का कोर्स होता है, किसी भी तरीके का इन सब के कोर्सेज के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद इसी को प्रमोट कर रही है। आप न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 में गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था, लॉन्च किया था, उसको अगर आप खुद रीड करोगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है, 2030 के बाद अगर आपको टीचर बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है उसको ही जो प्रेफरेंस है दी जाएगी, बाकी को नहीं दिया जाएगा। 2030 के बाद बाकी कोर्सेज इवनली बंद कर दिए जाएंगे। तो इस बात को समझो, अगर आप ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ पास कर चुके हो और अपना करियर टीचिंग फील्ड में बनाना चाहते हो, तो आपको किसी दूसरे टीचिंग कोर्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक और बच्चे का क्वेश्चन है, सर मेरे पास ट्वेल्थ में इंग्लिश लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज नहीं। देखो बच्चे, लैंग्वेज के लिए आप कोई भी चूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने ट्वेल्थ क्लास में बस एक ही लैंग्वेज चूज किया था तो आप दूसरा लैंग्वेज क्या चूज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज कर सकते हो। लैंग्वेज वन में आप इंग्लिश चूज कर लो और लैंग्वेज टू में आप हिंदी चूज कर सकते हो। लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ट्वेल्थ में पढ़ा या नहीं पढ़ा, डोमेन में है। ठीक है, बट अगर इस साल के प्रोस्पेक्टस में भी देखोगे तो उसमें लिखा एनी डोमेन, और इस साल के प्रोस्पेक्टस को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी डोमेन आप चूज कर सकते हो। फिर भी मैं आपको सेफ्टी के पर्पज से ये कह रहा हूँ कि आप वही डोमेन चूज करो जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ा है। ठीक है, लैंग्वेज के लिए ऐसा कुछ नहीं, लैंग्वेज आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आप लैंग्वेज वन में इंग्लिश को ऑप्ट कर लो और लैंग्वेज टू में आप हिंदी को ऑप्ट कर लो। ठीक है, और बच्चे का एक और बच्चे का डाउट है, इज दैट इंपॉर्टेंट टू चूज द सब्जेक्ट व्हिच वी हैव स्टडीड इन टू द बीएससी बीएड इन एनटीए एंड एनआईटी। देखो, सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर कोई बच्चा बीएससी करना चाहता है, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसे साइंस बैकग्राउंड की जो भी डोमेन होते हैं वो चूज करना पड़ेगा। आप कोई भी डोमेन चूज कर सकते हो। मैंने अभी आपको ये चीज बताई थी, अगर मान लो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है और वो बीए बीएड करना चाहता है, तो वो क्या चूज करेगा अपने डोमेन के अंदर, वही चूज करेगा जो उसने ट्वेल्थ में पढ़ा, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन वही है। आपको ये नहीं देखना कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, आपको ये देखना आपने ट्वेल्थ में क्या पढ़ा है और उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन चूज करोगे। ठीक है, आई होप आप सभी बच्चों को डाउट क्लियर हो रहा होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करें प्लीज बताओ। देखो, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिंपली आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, अभी मैं आपको दिखा दूंगा वहां रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहां से आप फिल कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है, हम आपको जो भी वीडियो इसके ऊपर बना करके बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, इससे भी आप गाइड ले सकते हो। ठीक है, गाइडलाइंस ले सकते हो। बाकी मैं सभी बच्चों को एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्लासेस का शेड्यूल, YouTube पे कब क्लासेस होगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो ऐप है SUG आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेगी। तो ये सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस साल। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा है, कॉम्पिटिशन कम हुआ, बिल्कुल भी नहीं कम हुआ, बल्कि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो प्लीज आप तैयारी आज से ही शुरू कर दो। ठीक है, आज से ही टेलीग्राम चैनल ये सारी चीजें ज्वाइन कर लो, ताकि वहां पे आपको जो भी यूजफुल चीजें वो आपको मिलती रहे, पता चलता रहे। ठीक है, चलो, आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी और किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम इस प्रोस्पेक्टस को और स्टडी कर लेते हैं, ताकि हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाए कि क्या क्या है इस प्रोस्पेक्टस में। देखो, अगर बाकी चीजों की बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज दिख जाएगी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इस साल पार्टिसिपेट करी है इसके अंदर। तो देखो, अगर इसके अंदर थोड़ा सा इसे जूम आउट करके हम नीचे चलते हैं, ताकि जो भी यूजफुल चीज है वो मैं आपको एक बार दिखा सकूं। देखो, यहाँ पे आपको वेरियस चीजें देखिए, जैसे एडमिट कार्ड कब आएगा तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, जो मई है उसके एंड में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब यहाँ देखो, एग्जामिनेशन का शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा था, एग्जाम आपका कब होना है, 12 जून 2024 को होना है, 12 जून को होना है। और एग्जाम कैसे होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको सेंटर लोकेट किया जाएगा, सेंटर पे जाओगे और आपका वहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो एग्जाम होना है वो कब होना है, इसके दो शिफ्ट रखे गए, एक मॉर्निंग शिफ्ट है और एक इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट का जो टाइम है 9 से 12 का है, और जो इवनिंग शिफ्ट है उसका टाइम क्या है, 3 से 6 बजे का है। अब जरूरी नहीं कि जो आपका एग्जाम है वो 12 जून को ही होगा, अगर हो सकता है इस साल अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो इसे कई डेज में भी शिफ्ट किया जा सकता है। अभी फिलहाल एनटीए ये मान के चल रही है कि एग्जाम जो है 12 जून को कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, दो शिफ्ट को मिला करके, बट हो सकता है कि ये जो है 12 जून की जगह और भी डेज बढ़ जाए अगर इस बार एप्लीकेंट जो है ज्यादा रहते हैं तो। ठीक है, आपका बाकी मैं बता ही चुका हूँ, आपका जो एग्जाम वो 3 घंटे का होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही होगी। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट आ रहा है, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। बाकी कैसे फॉर्म फिल करना है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पे बता रखा है, इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैसे फॉर्म फिल करना है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है हम आपको अपलोड करके बता देंगे।
देखो आगे बढ़ते हैं और भी जो भी यूजफुल चीजें वो एक बार देख लेते हैं। देखो ध्यान रखना इस बार जो है बहुत सारी नई नई यूनिवर्सिटी नए नए कॉलेजेस जो है ऐड हुए हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो जो भी कोर्सेस है, जो भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो ऐड हुए उनको एक बार देख लेते ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या इस बार ऐड हुआ है, क्या क्या चीजें और ज्यादा बढ़ी है इस बार। तो अगर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सही करते तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा और गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है? तो ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़े अगर हम, तो बाकी जो चीजें वो एक बार देख लेते, जो भी यूजफुल चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो एक बार उसे देख लेते हैं। बाकी आप में से किसी भी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है? अब ये जो सेक्शन है जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है। ये जो भी सेक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबको केयरफुली समझना है, कुछ भी डाउट आता है तो जरूर बताना है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे, सर प्लीज प्रोवाइड प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है? देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है? देखो हर एक चीज आपको मिलेगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 2 काम करने, एक तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और एक हमारे जो प्ले स्टोर पे ऐप है ASUG करके, उसे आप जरूर ज्वाइन कर डाउनलोड कर लो ताकि आपको चीजें मिल सके सारी चीजें। देखो अब यहाँ पे हम अलग अलग स्टेट में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है, वहां पे कौन कौन से कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे, कितने नंबर ऑफ सीट्स है, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास क्या है, हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करी है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये BA BEd और BSc BEd आपको प्रोवाइड करी है। BA BEd में कितनी सीट्स है, 50 सीट्स है। BSc BEd में कितनी सीट्स है, 50 सीट्स है। अब यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन क्या है, ये सेकेंडरी क्या लिखा हुआ है, ठीक है? कहीं सेकेंडरी दिख रहा होगा, कहीं मिडिल दिख रहा होगा, ठीक है? कहीं प्रिपरेटरी दिख रहा होगा, कहीं फाउंडेशन दिख रहा होगा, तो इसका क्या मतलब होता है? तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना, ठीक है? अगर ये चीज बिना समझे अगर आप फॉर्म फिल कर दोगे ना तो बहुत ज्यादा पछताने वाले हो आप, तो ये चीज समझो सबसे पहली बात। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या डिसाइड किया गया है कि हम जो भी टीचर होंगे उन्हें क्लास के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे ताकि स्पेशलाइज्ड एजुकेशन बच्चों को मिल सके, तो इसके लिए अलग अलग स्टेट बनाए गए हैं, ठीक है? अगर कोई भी कैंडिडेट है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे जो प्री क्लासेस होती है, जो प्री नर्सरी जो होती है, प्री नर्सरी से लेकर के सेकेंड ग्रेड तक अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो आप फाउंडेशन जो स्टेज है उसे ऑप्ट करोगे, ठीक है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। अगर आप प्री नर्सरी जो है, प्री स्कूल जो होते हैं उससे लेकर के सेकंड ग्रेड के जो बच्चे उन्हें पढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या चूज करोगे, फाउंडेशन जो स्टेज है उसे ऑप्ट करोगे। वही अगर आप 3-2 यानी थर्ड ग्रेड से लेकर 5th ग्रेड के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो उस केस में जो है प्रिपरेटरी स्टेज को आप चूज करोगे, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग जगह प्रिपरेटरी लिखा होगा, कहीं पे मिडिल लिखा है, कहीं सेकेंडरी लिखा है, तो क्या ऑप्ट करना उसी के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोबारा समझो। अगर आप प्री स्कूल से लेकर के अगर आप ग्रेड 2 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो क्या ऑप्ट करोगे, फाउंडेशन स्टेज, ठीक है? वही अगर आप ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप क्या ऑप्ट करोगे, जो हमारा प्रिपरेटरी स्टेज है उसे ऑप्ट करोगे। 6th to 8th क्लास को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो मिडिल स्टेज को आप ऑप्ट करोगे, 6th to 8th के लिए क्या है, मिडिल स्टेज। और वही अगर आप 9th to 12th के क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप सेकेंडरी स्टेज को ऑप्ट करोगे, ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो सेकेंडरी किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंड किया जाएगा 9th से लेकर 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है? जहाँ पे ये मिडिल लिखा हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको मिडिल लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ देखो मिडिल लिखा, तो यहाँ पे आपको क्या ट्रेंड किया जाएगा, आपको 6th to 8th क्लास को बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है? तो ध्यान रखना आपको जिस क्लास को पढ़ाने में आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है, ठीक है? सर आप डोमेन PCM की तैयारी कराओगे, देखो जो भी क्लासेस आओगे क्या क्या होगा वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम में बता दी जाएगी, ठीक है? ठीक है, तो आपको कल तक सारी डिटेल पता चल जाएगी, क्या क्या क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, क्या टाइमिंग होगा, A to Z सब कुछ पता चल जाएगा। कोई भी डिटेल आपको चाहिए टेलीग्राम चैनल एक बार जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है? तो देखो, तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि फाउंडेशन स्टेज क्या होता है, प्रिपरेटरी क्या होता है, मिडिल क्या होता है और सेकेंडरी क्या होता है, ये चारों चीजें आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है? यहाँ पे बाकी जो चीजें उसे एक बार देख लेते हैं, ठीक है? देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे हरियाणा के अंदर आप देखोगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी है, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। पंजाब के अंदर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वो क्या प्रोवाइड करे, BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, तीनों प्रोवाइड करे। तीनों जगह कितनी सीट है, 50 सीट्स है, ठीक है? 50 ईच, यानी 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, ठीक है? उत्तराखंड में भी ऐसी है, ठीक है? एक बार जरा हम दिल्ली के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है, कौन कौन से कॉलेजेस है वो एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप 6th नंबर पे देखोगे तो दिल्ली से अगर आप
बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं तो इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है, बट यहाँ से अगर आप फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी प्रॉपर रेगुलर क्लासेस होती है मैदान गिरी में, जो इनका मेन कैंपस है वहां पे आपको क्लासेस अटेंड करना प्रॉपर, जैसे आपका रेगुलर कॉलेज होता है वैसे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको घर बैठे आपकी फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको रेगुलर बेसिस पे कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से करना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपको आपके पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है ये भी आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ 7th नंबर पे देख सकते हो। जो बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है जिनका स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो बी ए बी एड प्रोवाइड कर रहा है सेकेंडरी प्रिपरेटरी स्टेज का, और बी ए बी एड प्रोवाइड कर रहा है सेकेंडरी स्टेज का, यानी प्रिपरेटरी और सेकेंडरी स्टेज के ये बी एड प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। इसके अलावा अगर और दिल्ली के अंदर क्या क्या आपके पास ऑप्शन, अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे आप देखो दिल्ली के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ कॉलेजेस आते हैं उनकी बात कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, और आप यहाँ से अपनी बी एड करना चाहते हो फॉर इंटीग्रेटेड बी एड तो यहाँ आपको आपको बी ए बी एड मिडल प्रोवाइड किया जा रहा है और बी ए बी एड सेकेंडरी प्रोवाइड किया जा रहा है, दोनों ही जगह कितनी सीट्स है 50-50 सीट्स है। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन ये भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे बी ए बी एड प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि सेकेंडरी लेवल का आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स है उसके बारे में भी आपको बता रखा है, बाकी थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं ताकि दिल्ली के अंदर और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में हमें पता चल जाए। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ा सा और नीचे हम चलते हैं, बाकी आप में से किसी भी बच्चों को कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट करो, मैं 100% से रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके पास 43 नंबर पे दिख रहा है दिल्ली में जीजस एंड मैरी कॉलेज, ठीक है, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, ये आपको बी ए बी एड प्रोवाइड करा है सेकेंडरी लेवल का, ठीक है। तो अगर आप सेकेंडरी लेवल 9th-12th क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यानी मेन जो कैंपस है ना बी एड करने के लिए, यानी कि टीचिंग के फील्ड में अगर आप करियर बनाना चाहते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप बी एड करना चाहते हो फोर ईयर इंटीग्रेटेड बी एड, तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ये मेन कैंपस है, ठीक है, जो कि एजुकेशन को पूरा कंट्रोल करती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर कोई बी एड करना चाहता है फोर ईयर इंटीग्रेटेड बी एड तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एडमिशन ले सकता है। यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जा रहा है आपको बीए बीएड प्रोवाइड कर रहा है सेकेंडरी लेवल पे, ठीक है। तो इसके अलावा और भी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर ही गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे बीए बीएड आपको सेकेंडरी लेवल का प्रोवाइड किया जा रहा है जहाँ पे टोटल 50 सीट्स है, ठीक है। तो ये कुछ कॉलेजेस है जो कि आपको दिल्ली के अंदर वेरियस जो भी कोर्सेज है बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड आपको प्रोवाइड करें अलग अलग लेवल पे, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होगी, ठीक है। मोस्टली जो भी चीजें वो मैंने आपके साथ कवर कर लिया है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे स्टेट्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे आईआईटी एनआईटी आरआई ये भी पार्टिसिपेट करे, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बहुत सारी है, लिस्ट आप देख सकते हो बहुत लंबी है, तो सबके बारे में बात करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी तरीके का डाउट है तो आप बताइए, मैं 100% बताने की कोशिश करूंगा। देखो एक बच्चे का डाउट है सर आप डोमेन सिम ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो और किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है तो बता सकते हो आप, किसी बच्चों को कुछ भी डाउट है तो बता सकते हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया जो क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, अलग अलग डोमेन की टीचिंग एप्टीट्यूड की इन सब की क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आप हमारा जो एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से आप जरूर डाउनलोड कर लो, ठीक है, एस यू जी, आप जैसे ही सर्च करोगे प्ले स्टोर पे जाकर के आप जैसे ही सर्च करोगे एस यू जी तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, ठीक है, उसे जरूर इंस्टॉल कर लो। वहां पे बहुत सारे पीडीएफ नोट्स बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी, क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, तो प्लीज इन सबको आप जरूर इंस्टॉल कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि जो भी यूजफुल चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे सारी चीजें आप समझ सको, किसी भी चीज का आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक ही काम करना, इन दोनों चीजों को जरूर ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी कि एनसीईटी का फॉर्म रिलीज हो चुका है, इसकी लास्ट डेट क्या, एग्जाम कब होने वाला है, एग्जामिनेशन पैटर्न भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, कौन कौन से कॉलेजेस है ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया, आपको बता भी दिया कि इस बार नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गए 6100 टोटल सीट्स है इस बार। तो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और आप सबको समझ आ गया होगा कि इस साल एनसीईटी में अगर आपको एनसीईटी के थ्रू अगर आपको फोर ईयर इंटीग्रेटेड बीएड करना है तो इस साल कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, आपको तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे करनी पड़ेगी। आई होप आप में से किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है तो हम इस सेशन को ओवर करते हैं, किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो
आई होप आप सभी बच्चों को सारी चीजें समझ आ गई होगी। बाकी जो क्लासेस हैं हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, वहां पे आप जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू। एक बच्चे का डाउट है कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं जाती, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप मान के चलो आपको 70% तो एटलीस्ट लाना ही लाना है। ठीक है, 70% अगर आप क्वेश्चन सही करके आते हो तो 100% आपका चांस है कि एडमिशन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो और किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, तो इस सेशन को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।